हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब। मैं हूं व्लॉगर प्रिंस। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों ने फाइनली बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम में सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर लिए होंगे और बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम को ज्वाइन भी कर लिए होंगे, लेकिन आप लोगों के मन के अंदर बहुत सारा क्वेरीज है कि मैंने बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम क्यों ज्वाइन किया और बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम किस लिए ज्वाइन करूँ। तो ज्वाइन तो कर लिया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, क्या सर्टिफिकेट को टांग के रख दूँ? या सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ जो ट्रेंड चलता है हर वीक, मतलब 7 दिन छोड़ के एक नया नया ट्रेंड आता है जिसके बीच बहुत सारे क्रिएटर लोगों को 1,00,000 से 10,000 रुपया तक मिलता है, लेकिन वो वाला ट्रेंड को कैसे फॉलो किया जाता है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, बस आप लोगों को ये छोटा छोटा बहुत सारा कन्फ्यूजन है, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो को बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने हो सके सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम को ज्वाइन भी कर लिया और आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया है, लेकिन उसके बाद क्या करना है आप लोगों को नहीं पता। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा और किस लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आप लोगों को ये वाला स्क्रीन को फॉलो करना है, मेरा जो इधर स्क्रीन आ रहा है मोबाइल का, और मेरा बात को फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम को ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिएटर कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ, इधर मेरा सर्टिफिकेट है। आप लोग देख सकते हैं इधर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इधर कितना पैसा बाकी क्रिएटर लोग अर्न कर रहे हैं और कैसे अर्न कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों भी अर्न कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो थंबनेल आप लोगों को दिख रहा है, इधर आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा है रील्स रिवार्ड विनर्स, इसके ऊपर मैं आप लोगों को टैप करके दिखा देता हूँ कितना पैसा इन लोगों को मिला है। तो इधर थोड़ा सा नीचे आना, फिर वो वाला थंबनेल आप लोगों को दिख जाएगा रील्स रिवार्ड्स विनर्स, इसके ऊपर आप लोगों को टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को सामने ही दिख जाएगा कि बॉर्न, मतलब BOI बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम रील्स रिवार्ड्स विनर्स। तो आप लोगों को इधर दिख रहा है 1,00,000 रुपीज़, सबसे पहले बहुत बड़ा अमाउंट है हम लोगों के लिए। तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों जन 1,00,000 रुपया विन करें। उसके बाद 50,000 कितना जन को मिला है, 13 जन को मिला। आप लोग देख सकते हैं इतना सारा जो यूज़र आईडी है ना, इन लोगों ने ये वाला जीते हैं, खुद के बल में ये लोग जीते हैं। उसके बाद 25,000 रुपीज़ कितना जन को मिला है, आप लोग देख सकते हैं 53 जन को 25,000 रुपीज़ मिला है। उसके बाद 10,000 रुपीज़ कितने जन को मिला है आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को लास्ट में जाकर दिखा देता हूँ, 118 जन को मिला है 10,000 रुपीज़। तो इसके अंदर आपका नाम इजीली आ सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बैक जाके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बैक में आना है, होम पेज में फिर से आ जाना है। आने के बाद आप लोग लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं 3 डॉट है, उसके बाद आप लोगों को चले जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, लोड हो जाए। हाँ, इधर आप लोगों को दिख जाएगा रील्स वीकली ट्रेंड्स, 15 तारीख से 21 तारीख तक अभी ये चलेगा। आज कितना तारीख हो रहा है, आज 16 तारीख हो रहा है, ठीक है। मैं बैक कर देता हूँ, आज 16 तारीख है, मतलब 15 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 16 तारीख है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत जल्दी हो सके, मतलब जितना जल्दी हो सके आप लोग रील्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। और किस टॉपिक के ऊपर, ये देखिए नीचे है, आप लोग देख सकते हैं ये रहा कोई डांस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो हैशटैग है ना, मतलब ये जो पूरा सा ये आप लोग क्या, मैं इसको क्या बोलते थंबनेल ही बता देता हूँ, इसके ऊपर आप लोगों को टैप करना है। टैप करने के बाद मैं आप लोगों को साउंड नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू के लिए। तो ये वाला जो म्यूज़िक चल रहा है, इस म्यूज़िक के ऊपर आप लोगों को रील्स बनाना है, ठीक है। मैं बैक कर देता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, शायद कॉपीराइट आ जाए इसलिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कैसे करना है, कैसे मतलब कोई भी, ये देखिए नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो डांस का वीडियो है इस जो 3 नंबर ट्रेंडिंग में है ना, इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं पिपनी चैलेंज, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, टैप करने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं कितना व्यूज़ है। तो नीचे जो म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक के ऊपर मैं टैप करता हूँ तो कितना जन ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, 551 जन जस्ट रिसेंटली अभी ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर, मतलब इस म्यूज़िक के ऊपर वीडियो बनाते हैं और आपका वीडियो बहुत वायरल जाता है ना, तो आप 10,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ या 1,00,000 रुपीज़ आप बहुत ईजिली विन कर सकते ही होंगे, ठीक है।
तो आप लोगों को इधर बहुत सारा ट्रेंड मिल जाएगा, बहुत सारा। आप लोग देख सकते हैं नीचे ट्रैक भी है, कोई भी ट्रैक है। ये देखिए ये वाला जो ट्रैक है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ट्रैक दिखा देता हूँ लेकिन सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यू के लिए। तो ये वाला म्यूजिक के ऊपर आप लोग कोई भी मतलब फोटो वोटो लगा के या कुछ क्रिएटिव या कुछ फूड ब्लॉगिंग कुछ भी करके आप लोग ये वाला म्यूजिक को यूज़ कीजिए खुद का रील के अंदर। ऐसे नहीं कि यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया कोई भी म्यूज़िक, उसके ऊपर खुद का वीडियो चढ़ा दिया फिर उसको अपलोड कर दिया, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नहीं है। बस यही है, मतलब जितना सारा ये आप लोगों को दिया जाता है 15 तारीख से 21 तारीख के अंदर, जितना सारा इधर ट्रेंड दिया जाता है इस ट्रेंड के ऊपर ही आप लोगों को वीडियो बनाना है। फिर से सुन लीजिए, ये जितना सारा हैशटैग आप लोगों को दिख रहा है ना, ये हैशटैग, इन सभी के ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाना है। क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे रील्स क्रिएट किया जाता है तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं AR इफेक्ट है, इसके ऊपर भी आप लोग बहुत इजीली रील्स बना सकते हैं क्योंकि ये फिल्टर है। तो आप लोगों जो लोग डांस नहीं कर सकते तो ये वाला फिल्टर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कितना सारा वीडियो बनाना होगा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इधर जितना सारा रील है ना, जितना सारा रील है एक तारीख से, मतलब ट्रेंडिंग नंबर 1, ट्रेंडिंग नंबर 2, ट्रेंडिंग नंबर 3, तो 7 दिन के अंदर कोशिश कीजिए मिनिमम 6 रील्स बनाने के लिए। और 6 रील बना के आज ही अपलोड कर दिए ऐसा मत कीजिए। 6 रील आज, मतलब जितना तारीख को स्टार्ट हो रहा है, मतलब मान के चलिए 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, उस दिन एक अपलोड कीजिए, मतलब डेली एक अपलोड कीजिए, तो आपका जो कंसिस्टेंसी बना रहता है ना इंस्टाग्राम के एंगेजमेंट के साथ, तो बहुत इजीली आप लोगों को चांसेस मिल सकते हैं जीतने के लिए ऑब्वियसली। तो कुछ इस तरह करके आप लोग इंस्टाग्राम में ज्वाइन करने के बाद बहुत इजीली बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं 1 लाख से 10,000 तक। तो गाइस और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ। तो इधर नीचे आने के बाद हु इज़ एलिजिबल ये लिखा हुआ आ रहा है, यू मस्ट हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम वेबसाइट एट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर आप लोगों को बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का जो क्रिएटर कोर्स है आप लोग नीचे देख सकते हैं, एंड हैव कम्प्लीटेड द बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। तो आपको ये वाला इंस्टाग्राम का कोर्स कंप्लीट करके रखना है। जैसे कि मैंने बता दिया, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया जाता है उसका कंप्लीट वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एटलीस्ट आपको 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए एंड इंडियन बेस्ड क्रिएटर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है 3 पॉइंट, एंड ऑथेंटिकेट पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट मतलब खुद का फेस का अकाउंट, खुद का रियल अकाउंट। आपको नहीं ये होना चाहिए कि आप किसी सेलिब्रिटी का फैन अकाउंट बना के उसके अंदर अर्न करने का कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। और कोई भी मीम पेज से अर्निंग नहीं हो सकता, एंड ऑर्गेनाइजेशन और ये पॉलिटिकली अफेक्टेड अकाउंट ये भी नहीं होना चाहिए। और जो 4 पॉइंट है इसमें, जैसे कि नॉर्मल यूट्यूब भी बताता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन आपको फॉलो करना होगा, उस तरह ही इधर लिखा गया है इंस्टाग्राम प्रोग्राम टर्म्स ये आपको फॉलो करना है, एंड इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइन ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं हाउ आर विनर्स डिसाइडेड, तो इसके अंदर साफ साफ लिखा गया, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसमें कॉम्प्लीटली लिखा गया है कि आप लोगों को जो रील्स बनाते हैं उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेगा इंस्टाग्राम। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं हाउ कंसिस्टेंसी यू पोस्ट रील्स, मतलब हाउ कॉन्स्टेंटली यू पोस्ट रील्स, मतलब आप डेली रील्स पोस्ट करते हैं या नहीं करते ये इंस्टाग्राम देखेगा। और हाउ क्रिएटिव एंड एंगेजिंग दे आर, ठीक है, मतलब आप लोग कितने एंगेज रहते हैं आपके रील्स को लेके, एंड हाउ मेनी प्लेस दे गेट, आपको कितना सारा व्यूज़ मिल रहा है ये भी इंस्टाग्राम देखेगा, ठीक है। वी रिकमेंड यू पोस्ट रील्स फ्रिक्वेंटली, इंस्टाग्राम आपको रिकमेंड करता है कि आपको जितना जल्दी हो सके और जितना मतलब डेली आप लोग रील्स पोस्ट कीजिए, ये आपको खुद से ही बता रहा है, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इफ़ आई विन यू हाउ Will I know and how will I get my rewards? तो आपको सीधा सीधा मैं इसका मतलब जो लिखा गया मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ। आपके पास एक ईमेल आएगा जिसमें मांगा जाएगा आपका बैंक डिटेल्स, एंड आपको एक मेल आएगा जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा आप कितना रुपीस जीते हैं, मतलब फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज या फोर्थ प्राइज आप जीते हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपके पास मेल आएगा कि आप बैंक डिटेल्स दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कैन आई बी कॉन्सिडर मोर देन वन टाइम, जी हाँ आप लोग एक से ज़्यादा टाइम कॉन्सिडर हो सकता है, लेकिन
जो 1 तारीख से 7 तारीख तक चलता है, मतलब रील्स कितना, मतलब ट्रेंड कितना बार आता है? हफ्ते में एक बार ही आता है, मतलब 7 दिन में एक, फिर और एक बार आता है, मतलब महीने में 4 बार आता है। मतलब जितना बार रील्स का ट्रेंड आएगा उस रील के अंदर आप एक बार ही जीत सकते हैं, उस रील के अंदर, मतलब उस ट्रेंड के अंदर बस आप एक बार ही जीत सकते हैं। मतलब आप फर्स्ट प्राइज भी जीतेंगे और उसी दिन आपको सेकेंड प्राइज मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज दोनों एक साथ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड में एक ही बार आप लोग जीतने का मौका मिलेगा एक सीजन में। मतलब अक्टूबर में 4 चल रहा है 4 सीजन, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4, फर्स्ट सीजन में बस आप लोग एक ही बार विन हो सकते हैं। अगर सेकेंड सीजन में आपने बहुत अच्छा किया तो उस सीजन के अंदर आप लोग जीत सकते हैं, लेकिन एक सीजन के अंदर आप दोनों प्राइजेस नहीं ले सकते हो। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया समझाने में, लेकिन आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाकी आप नीचे कोई भी परचेस करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस यही इधर लिखा गया है, आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस आशा करता हूं आप लोगों को बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम लेके जितना सारा कन्फ्यूजन था शायद वो क्लियर हो चुका है ये वाला वीडियो देखने के बाद। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है या कुछ क्वेरीज रहते हैं ना, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को भर भर के रिप्लाई देता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरे साथ डायरेक्ट बात करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है ना, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है ना, तो ज़रूर मेरा ये वाला वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ, जो लोग इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बनाते हैं उन लोगों को भी बताइए, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।